एक से सुना देते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। उर्दू में है। हाँ हाँ जी। भजन करने के खातिर जब कभी रसखान आते हैं। हाँ। ये मंजर देखने मंदिर में तो भगवान आते हैं। हाँ। फिरका परस्ती उस व्यक्ति को कभी छू नहीं सकती। हाँ। सजाने राम की मूरत जहाँ रहमान आते हैं। अरे वाह 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 वाह। तो एक शेर राहत इंदौरी साहब का है। हाँ। कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना। क्या बात है। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात कही। सजानी है हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं बात? मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। धन्य हो प्रभु, देखिए बड़े भाग्य से आप हमको मिले। और एक शेर और सुनिए जो मैंने नीतीश कुमार को सुनाया। अरे वो तो माया भागा है। और बिहार के लिए, लेकिन काम उसने बहुत किए हैं नीतीश जी ने, कभी कभी बहकता रहता है वो इंसान, तो दुआ कर दीजिए भगवान से कि वो उनकी जबान भी संभलती रहे और सारी चीजें। अभी का जो बयान था वो बहुत अफसोसनाक था। तो एक शेर सुनिए कि अजाने मुस्कुराती है जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ये करते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है। क्या बात है ना। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। क्या बात। रजा की ईद पर राजीव सवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। क्या बात कही, क्या बात कही। सर हिंदुस्तान से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं, नहीं, नहीं बात। जहाँ आपस में दो नदियां गले मिलती हों, बताइए ऐसी खूबसूरत कहाँ से जगह लेंगे। आपको बताऊं। हाँ। ये जो मंदिरों में मूर्तियां हैं। हाँ। हकीकत बताता हूँ। हाँ। ये भगवान की देवताओं की कृपा की मूर्ति है। हाँ। भगवान उसमें रहते नहीं है। हाँ। सुनो ना मैं। हाँ। अब ज्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, सुनो क्या? पहले सही 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 सुनो। हाँ। भगवान को आज तक किसी ने देखा है? हाँ। जिस पर उनकी कृपा हुई है। हाँ। बड़ी तपस्याओं के बाद उनकी जो मूर्ति है ओरिजिनल बहुत कम लोगों ने देखा है। हाँ। मैंने देखा है। हाँ। हमको 1995 फरवरी में सुबह राम जी हमारे कुटिया में प्रकट होके हमको दर्शन दिए। हाँ। पहली बार मैंने भगवान को देखा है। खूब सुंदर तिलक लगाए थे। हाँ। हमने उनसे कहा कि इतना सुंदर तिलक तो हमने आपको फोटो में कभी नहीं लगाया। हाँ। फिर और सुनिए, श्री हनुमान जी महाराज अपने मूल रूप में हमको 1.5-2 घंटा दर्शन दिए हैं। और सुनो, आजकल तो हमारे साथ रहते हैं हनुमान जी। हमारे पास एक इतनी बड़ी सुपारी है। सुपारी समझते हैं? हाँ हाँ समझ रहे हैं। कसैली भी बोलते हैं कुछ लोग जो पान में खाते हैं। उसी में प्रकट भए हैं। उनका फोटो हम दिखा दें आपको। मेरे पास है मोबाइल में। अभी प्रत्यक्ष आप दर्शन कर लीजिए। ऐसा दर्शन इस पृथ्वी पर किसी मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। तो पता ये चल गया कि राम के रहने की जगह मंदिर नहीं। क्या बात करते हैं, ये बताओ। हाँ। भगवान किसी मंदिर में रहेगा? हाँ, सही बोल रहे हैं। किसी मंदिर में रहेगा? वो तो इंसानों के दिल में रहता है। वो तो सूरज का मालिक है। मंदिर में रहेगा? वो तो पवित्र मन वाले, पवित्र हृदय वाले, अच्छे चरित्र वाले, अच्छे आचरण वाले लोगों की शरीर में छाया रूप में रहता है। दूसरी बात, जब कोई अच्छा भक्त मंदिर में जाता है तो वो भगवान की कृपा मूर्ति है। हमारे रामायण में तुलसी बाबा लिखे हैं कि सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। जैसे सुनो, छोटे बच्चे को आप कुछ भी पीना दो। हाँ। पान लेता है कि नहीं? कोई विरोध नहीं। ऐसे ही भगवान को जैसे भी तुम बना दो, भगवान वही मान लेते हैं। ये उनकी उदारता है। सर मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे हिंदुस्तान की खूबसूरती नजर आई आपसे। और सुनिए, इतने नहीं। हाँ। यही छपरा है ना। हाँ। तो डोरीगंज एक जगह है। हाँ। वहाँ बंगाली घाट है। हाँ। वहाँ गंगा जी बहती है। तो आज के 2 साल पहले इसी महीने में हम अपने 2 चेलों के साथ नहाने गए। कपड़ा उतार के सीढ़ी पर खड़े,
एक हमारा चेला गंगा जल ऐसे उलझ के गोड़ धो रहा है और गंगा जी बीच धारा से उठकर चली है ऐसे आकाश मार्ग से, हमारे सीढ़ी पर हम खड़े हमको नहवा रहे हैं, तीन बार गंगा जी हमको नहवाई है। तो मेरा तो प्रैक्टिकल जीवन है। सही सही। तो आप यकीन किसी मंदिर में है? नहीं हाँ। मैं किसी मंदिर में नहीं, मैंने कोई मंदिर बनाया ही नहीं है। अच्छा। अरे मैंने तो अपनी कुटिया भी नहीं बनाई है, मंदिर क्या बनाना, इससे बढ़िया मंदिर और क्या होगा। सही सही। जिसको परमात्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों ये देखे इस वक्त तारीख है 12 नवंबर 2023 और ये कटिहार से अमरपाली चली है और ये एसी डब्बा है B1 और B1 में हम हैं। कभी यहाँ सोते हैं, कभी यहाँ सोते हैं, कभी हम यहाँ सोते हैं। ये मेरा सामान पड़ा है और ये सब देखिए पूरी गाड़ी के अंदर देख सकते हैं आप किस कदर सीटें खाली हैं। और इसको जब बुक किया जा रहा था तो आलम ये था कि मतलब वेटिंग दिखा रहा था कि नहीं गैदरिंग चल रही है, भीड़ चल रही है। पूरे डब्बे में दो आदमी या तीन आदमी, एक मेरे सामने यहाँ पे थे भाई साहब, तो वो अभी निकल रहे हैं, ये भी देवरिया उतर गए। ये कटिहार से अमरपाली चली है और ये जा रही है, देख रहे हम। मुझे उतरना है खलीलाबाद। हमारे एक दोस्त है, नेता है जावेद भाई की शादी, उसी में मुशायरा, उसी में शिरकत होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे की बदमाशी कैसे होती है। पूरा सीट रिजर्व बताएंगे और उसके बाद आएंगे तो इस तरह का सफर करना पड़ता है। ये देखें कितनी बुरी पोजीशन है, आप अंदाजा लगा दीजिए कि खौफ आता है ये सोचकर। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा इस चीज का एहतियात करें और कभी कभी ये हुआ करता है तो क्या बता रहे हैं। अभी देख लीजिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को अगर कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं, ठीक है। और इस तरह से रेलवे का हाल, मैं बस यहीं पे बिछा के अपना सो गया हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कई किस्तों में मैं लेट रहा हूँ कि कहीं पे कोई आदमी मिल जाए, लेकिन इस तरह के कोई नहीं। तो अब देख सकते हैं ये क्या हाल है। इसी के लिए पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे हौसला मिल सके। लेकिन कभी कभी खौफ आता है, सफर है तो सफर है। हम दिखाना चाहेंगे हमारे ये सर जी बाजू में है एक हमारे पन्नी आदाब सर, ये देखिए हमारे सर है। पूरा डब्बा आज खाली है और ये अमरपाली है। जब हम टिकट बना रहे थे सर तो ये पूरा रिजर्व बता रहा था, कह रहा था कि वेटिंग है। ये रेलवे की बदमाशी नहीं है, बहुत बड़ी बदमाशी। और देखिए ये पूरा खाली है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और ये मैं करूंगा ताकि ये रेल मंत्री तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे कि ये क्या ड्रामाबाजी चल रही है। हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में। तो ये इस तरह से रेलवे का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। बताइए हम लोग परेशान है। सेकंड एसी में मैं जाता हूँ हमेशा। हाँ। उसमें बोला कि सीट फुल है तो मजबूर होकर के थर्ड एसी में लेना। वो उसी तरह से मेरा मामला है, मैं खुद जो है फर्स्ट एसी या टू एसी, लेकिन थ्री एसी में आने का मतलब ये हुआ कि एकदम खाली नहीं था तो नहीं। सोच रहे थे करंट में बनावे क्या बनावे। नहीं नहीं, हमारी भी यही समस्या है। देखिए और पूरी जगह खाली है, बल्कि डर लग रहा है। नहीं मिला तो ये हुआ भाई थर्ड एसी में है। हमने कहा कहाँ तक चलेंगे आप? खलीलाबाद। अरे हम भी खलीला ही बात जा रहे हैं सर, मिलकर बड़ी बहुत मजा आया आपसे। खलीलाबाद बहुत अच्छी जगह है सर। हम कवि हैं, हम कविता लिखते पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हम मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शाकार हो तो भेष बता क्यों नहीं देते, अरे राम हमें अपना पता क्यों नहीं देते। क्या बात है। हम कागजी रावण को हर साल जला देते हैं। क्या बात है। तुम भीतरी रावण को जला क्यों नहीं देते। अरे लिख के दे दो हमें भैया, मैं कथा में सुनाया करूं। हाँ ये जरूरी है। कथा करते हैं। अच्छा हाँ मैं राम कथा करता हूँ, गीता भागवत वेद पुराण। अरे वाह। कथा करके नहीं नहीं, आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था तो मुतासिर हुआ। और आप अपनी बिटिया से बात कर रहे थे या जिससे, एक बाप को जो रोल अदा करना चाहिए इस वक्त इस पोजीशन में वो आप अदा कर रहे थे, हौसला दे रहे थे। हमारी वो पोती है। अच्छा पोती थी वो। सुनिए तो
ऊना में 50,000 महीने की ये जो कंपनी है क्या बोलते हैं उसको फोन वे या क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कोई कंपनी है जैसे उसी में जॉब है उनका। तो उसके बाद ये जहाँ शादी हुई ना ये लोग रेलवे में है तो इसको बुलाए ऐसा किए कि वो नौकरी छोड़वा दिए। और ये पाप बोले कि हम लोग सब नौकरी वाला है तो तुम घर में रहो भोजन बनाओ ये बोली हमारे बाबा ने हमको 15-20 लाख रुपया लगा के पढ़ाया है। मैं टैलेंटेड हूँ और इस समय मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गई हूँ। चौका भाषण करे झाड़ी पोछा लगा यही उचित है। अब तुम मेरे साथ जुल्म करो, अब तुम हमारे साथ जुल्म करो। अच्छा तो उस समय मैं राजस्थान में था जब ये कांड हुआ तो उसने अपनी मम्मी को फोन किया उसके फादर नहीं है मम्मी को फोन किया ऐसी बात है